अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़े ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्दों और ख्वातीन के लिए ख्वाब में जिन को मारने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं, तो पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। ख्वाब में जिन को मारना दुश्मनों और साजिशें करने वालों पर फतह की अलामत है। अगर देखने वाले को जिन मारने की कोशिश करता है और इसके बावजूद ख्वाब देखने वाला उससे बच जाता है, इससे मालूम होता है कि वह साजिश करने वालों से हकीकत में भी बच जाएगा। ख्वाब में देखने वाले और जिन की लड़ाई उसके और साजिशों के दरमियान मुसलसल दुश्मनी और मुकाबला की दलील है। और अगर देखने वाला देखे कि वो जिन को मार रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उन साजिशों पर काबू पा लेगा। इसके अलावा ख्वाब में जिन का आना फासिक शख्स के पकड़े जाने और उसे सजा देने की दलील है। फासिक शख्स चोर या हमलावर हो सकता है। ख्वाब में जिन को तलवार से मारने की सूरत में यह नज़ारा बातिल को छोड़ने और हक की पैरवी का बताता है, और ये बगैर किसी खौफ के सच्चाई की गवाही देने के बारे में भी बता सकता है। और अगर देखने वाला देखे कि उसने जिन्नों को पकड़ रखा है या कैद कर रखा है, तो ये उस दर्जे और ताकत की निशानदेही करता है कि अगर वो उसका मुस्तहिक है तो उसे हासिल होगा, और अगर वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो ये ख्वाब खतरात से फरार की नुमाइंदगी करता है। ख्वाब में जिन्नात को मारना इस तरह ताबीर किया जा सकता है कि ख्वाब देखने वाले को एक इंतहाई चालाक शख्स की तरफ से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ज़िंदगी में उसको पहुंचने वाले नुकसान का इन्हिसार इस बात पर है कि उसने ख्वाब में कितना दर्द महसूस किया है। अगर जिन ख्वाब में देखने वाले को मारे और उस जगह को नुकसान पहुंचाए जहां वो मौजूद है, तो ये आग की वजह से नुकसान की निशानदेही करता है। और अगर ख्वाब में जिन्नात देखने वाले को बुरे कामों से रोकने के लिए मारते हैं, तो इससे जिन्नात के मुसलमान होने की तरफ इशारा हो सकता है, क्योंकि ये देखने वाले के लिए तौबा की दावत और तनबिया का इजहार करता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में जिन को मारना। कुंवारी लड़की के ख्वाब में रोते हुए जिन का ख्वाब देखने की ताबीर उन परेशानियों की निशानदेही करती है जिनसे वो मौजूदा दौर में दोचार है, लेकिन ये परेशानियां जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर वो अपने आप को किसी ऐसे शख्स से जुड़ते हुए देखती है जो जादूगर के तौर पर काम करता है, तो इससे जाहिर होता है कि जल्द ही वो ख्वाहिशात पूरी होंगी जो उसने एक तवील अरसे से सोची हुई थी। ख्वाब में कुंवारी लड़की को रास्ते में जादूगर से बात करते हुए देखना किसी बुरे शख्स की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है जो उसकी शोहरत और उसके बारे में बुरा कहता है, लेकिन ख्वाब इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वो लड़की जल्द ही उस शख्स से मिलेगी। ख्वाब में आशिक का जिन में तब्दील होना और उसके साथ देखने वाले की गुफ्तगू एक ऐसे शख्स की मंगनी की दलील है जो उसके लिए मौजू नहीं है, लेकिन जल्द ही ये मंगनी टूट जाएगी और अल्लाह ताला उसकी शादी किसी दूसरे अच्छे किरदार वाले शख्स से करवाएगा। ख्वाब में मर्द के लिए जिन को मारना। ख्वाब में जिन को तेज धार आले से मारकर उसे इंसान में तब्दील करने की ताबीर देखने वाले की जिंदगी में झूठे और मुनाफिक लोगों की मौजूदगी का सबूत है, और इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि वो चेहरे जल्द ही उस शख्स को जाहिर हो जाएंगे, लेकिन ख्वाब देखने वाले को अब मुहतात रहना चाहिए। ख्वाब में देखने वाले के घर में जिन का आना और घर के सामान को तोड़ना, उसकी ताबीर यह है कि हकीकत में घर में चोरी करने वाले लोग मौजूद हैं। ख्वाब देखने वाले का शैतान में तब्दील होना उसके आसपास के लोगों की नफरत की वजह से है। अगर देखने वाला ख्वाब में जादूगर के तौर पर काम करता है, तो इसका मतलब है कि वह जल्द ही बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में जिन को मारना। शादीशुदा औरत के ख्वाब में शोहर जिन बन जाए, तो इससे जाहिर होता है कि शोहर ने गैर कानूनी कारोबार से बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। शादीशुदा औरत अपने ख्वाब में जिन को देखती है और उस जिन की चीख निकली और उसकी आवाज़ उस औरत को सुनाई दे, तो ये ख्वाब उस औरत की जिंदगी में बहुत से कर्जों और परेशानियों की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये कर्ज और परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। एक शादीशुदा औरत जो ख्वाब में जादूगर के तौर पर काम करती है, इस बात का सबूत है कि उसके आसपास हर कोई उससे प्यार करता है और उसे अच्छी चीज़ों की याद दिलाता है। जिनका उसके घर में दाखिल होना और शादीशुदा औरत के साथ घर में रहना उसकी बीमारी और थकावट के बारे में बताता है, लेकिन वह जल्द ही उससे सेहतयाब हो जाएगी। जिनका ख्वाब में शादीशुदा औरत से गुफ्तगू उस औरत के बुरे किरदार और नफरत की दलील है, और साथ ही लोगों से उसका झगड़ा भी है। हामला औरत के लिए ख्वाब में जिन को मारना। हामला औरत का जिन को ख्वाब में देखना और उसके साथ तारीख रास्ते पर चलना और रास्ते से इंतहाई खौफजदा होना उसकी परेशानी और पैदाइश के करीब आने के खौफ की वजह से है, लेकिन उसके लिए खुशखबरी है कि वो और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक तवील सफ़र जिसका इख्तिताम ख्वाब में जिन्नात के साथ हो, हामला औरत के लिए इस बात की दलील है कि वह अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक अपनी हालत बदल लेगी। आमला औरत का जिन को ख्वाब में मारना और उसको मर्द बनाना बच्चे की फितरी पैदाइश की दलील है, और बसारा से मालूम होता है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। ख्वाब में हामला औरत के बच्चे का जिन में तब्दील होना उसके नज़दीक रिज्क और भलाई की दलील है, क्योंकि ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो लड़के को जन्म देगी। मुतलका औरत के लिए ख्वाब में जिन को मारना। तलाक याफ्ता औरत का ख्वाब में जिन से बात करना इस बात की निशानदेही करता है कि सबका शोहर वापस आ जाएगा। मुतलका औरत के ख्वाब में किसी शख्स को जिन का लिबास पहने हुए देखना, जबकि वो उसे जानती है और उससे भागती है, इसकी वजह उसकी ज़िंदगी में मौजूद उदासी है, लेकिन ये परेशानियां जल्द ही दूर हो जाएंगी।
इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में जिन को देखना, ख्वाब में जिन का इंसान में तब्दील होना देखने वाले की अच्छी साख की निशानदेही करता है। ख्वाब में कुरान की तिलावत और जिन्नात का सुनना देखने वाले की अच्छी हालत और उसके खुदा से कुर्बत की निशानदेही करता है। ख्वाब में घर के सामने जिन का होना नुकसान की निशानदेही करता है, लेकिन ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अल्लाह ताला उसकी तलाफी करेगा। ख्वाब में जिन का पीछा करना इख्तियार और ताकत की नुमाइंदगी करता है। दोस्तों ये थी आज की तावीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।